जनपद मुरादाबाद में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद के थाना मैनेठेर में एक नाबालिग बच्ची के घर में घुसकर बदमाशों ने उसको गोली मारी, जिसके बाद उपचार के लिए उसे उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। योगी सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बदमाशों ने नाबालिग बच्ची के घर में घुसकर मारी गोली। आज दिन बढ़ रहे अपराध की घटनाओं से लगता है कि मुरादाबाद में पुलिस कार्यवाहक पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जनपद में लगातार पुलिस को बदमाश चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक मासूम बच्ची के पैर में गोली मार दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मुरादाबाद जनपद के मैनठे थाना क्षेत्र के गुरेरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने एक नाबालिग बच्ची के पैर में गोली मार दी। घायल बच्ची ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रही थी। अचानक जब उसकी आंख खुली तो वो पानी पीने के लिए घर में नीचे बने कमरे में आ गई। कुछ अज्ञात बदमाश घर के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने बच्ची को देखते ही गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार में अफरा तफरी सी मच गई। परिवार के सब लोग आनन-फानन में नीचे घर में आए तो उनकी नाबालिग बच्ची घायल अवस्था में घर में पड़ी थी, जिसकी जानकारी परिवार वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बच्ची को इलाज के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची का उपचार चल रहा है। दुर्घटना हम तो भाई के पापा गांव में चले आए थे, हम तीन माँ बेटे थे। फिर लड़की नमाज पढ़ रही, ऊपर से पानी लेने आई, पानी की बोतल हाथ में थी, बोली अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी का बिस्तर कर दूँ। एक हाथ बिस्तर था, शहर से मारी, पता ना किधर से गोली मारी, लड़की के पैर में लगी। पैर में लगी? पैर में लगी हाँ। तो यहाँ किसने भर्ती कराया था? यहाँ तो पहले थाने में बोला था, फिर फोन करा था, फिर चौकी में चलवाया था, फिर एकदम अपनी गाड़ी में लिए। बोलो कौन थे आप, जानते हो उनको किसने जो गोली लेने मारी? ना देखा हमने, ऐसा लगा थोड़ी सी परछाई दिखाई थी बस। अच्छा, ये भी बेहोश हो गई, मैं भी बेहोश हो गई, लड़की भी देखते। उससे पहले कोई झगड़ा कभी हुआ था? मतलब झगड़ा ना, किसी से कोई नाराजगी ना हुआ। तेरे दिया आपने थाने में कोई? हाँ मैं तो इसे ले गया, इसे पापा तो कल से थाने में। पापा का नाम क्या? इनके दिनी अमीन। क्या काम करते हैं वो? इस टाइम तो कुछ काम ना कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी चले हैं बस। रात हम लोग गांव में थे, हमारे परिवार वाले जो थे ऊपर सो रहे थे। हमारी भतीजी एक 13 साल की बच्ची शिफा, वो नीचे पानी पीने के लिए आई। घर में बदमाश पहले से ही मौजूद थे। हमारी भतीजी जैसे उस मतलब देख के उसको फायर कर दिया, उस घुटने में गोली लगी है। हमने उसे जिला पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। गांव की बदमाश होंगे या एसपी तिहाड़ विद्यासागर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया। घटना के बारे में पीड़ित के पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। भले ही मुरादाबाद पुलिस अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए बच्ची को खतरे से बाहर बता रही हो, लेकिन मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो घरों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। लगातार जनपद में लूट और चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रोकने में नाकाम साबित हो रही है। थाना क्षेत्र मैनाठेर में बिन्यामिन नाम के व्यक्ति ने, रामगुरेर का जो निवासी है, उसने सूचना दिया कि ये बाहर था और इसके बच्चे छत पे सो रहे थे। तो रात्रि करीब 9 बजे इनकी बेटी शिफा नीचे उतर के आई, वो पानी पीने जा रही थी, किसी ने उसके पैर में गोली मार दी। ये संबंध अभियोग पंजीकृत किया गया है और अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। बच्ची खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं।